subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Success comes from experience, and experience comes from bad experiences. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हमें आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्टडिंग करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 15 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके थे पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आपने कहा था कि वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए और जो क्वेश्चन है उनको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो है ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हमने आप के लिए केवल 15 क्वेश्चन ही लाए हैं, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो में कम ही क्वेश्चन डिटरमाइन होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। हो सकता है कि इस वीडियो में केवल 10 ही क्वेश्चन हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम हम लेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम क्वेश्चन को करने में लगेगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। आपको फॉर्मल सुना हुआ वर्ड है, फॉर्मल होता क्या है? आपने सुना होगा एक फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस तो कॉमन वर्ड है जो सब ने सुना है। वो क्या होती है? जैसे कि आपके आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप कोट पैंट टाई एकदम प्रॉपर यानी सूट पहन के जाओगे। जो एक प्रॉपर पैटर्न है वो है आपके पास फॉर्मल, एकदम प्रॉपर। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा आपके पास? कि आप किसी शादी में जा रहे हो, आपके पास मर्जी है, किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं। तो शादी में आप मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, वही आपके पास है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो कि एक सिस्टम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है, यानी आप क्लासरूम में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं, वो हो गया आपके पास फॉर्मल। नॉन फॉर्मल क्या होगी आपके पास? कि आप डिस्टेंस एजुकेशन का यूज़ कर रहे हैं, यानी आप स्टडी प्राइवेट कर रहे हैं, आप घर से ही जो है वो पेपर दे रहे हैं, यानी आप घर में ही रहते हैं, आप प्राइवेट पेपर्स दे रहे हैं, तो वो आपके पास होगी फॉर्मल स्टडी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो यहाँ पे फीचर्स है वो फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल एंड सोसाइटल गोल, ये भी आपके पास जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसमिनेशन एलिमेंट्री नॉलेज, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास यहाँ पे इसका गलत है। डाइवर्सिफाइड एंड ओपन माइंडेड, तो ये भी आपके पास राइट है, यानी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंडर आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो नहीं आता। तो आई होप कि आपको ये मेथड पढ़ाने का अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन, दोबारा से वही क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती क्या है। तो यहाँ पे है इज़ अ पुअर सब्सिट्यूट, जो है आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है आपके पास एक पुअर सब्सटीट्यूशन है, कि अगर आप स्कूल नहीं जा सकते तो आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सहारा भी ले सकते हैं। मगर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एक इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये होगी कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा। जो आप बुक्स से देखेंगे आपको वही नॉलेज मिलेगा, बल्कि आप क्लासरूम में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है मिलता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बाकी हैं वो आपको फॉर्मल एजुकेशन मिलेंगे। हैज़ फ्लेक्सिबल एंटायर एग्जिस्ट, इन्वॉल्व मैक्सिमम मोटिवेशन, इज प्रिपरेशन फॉर चेंज, ये सारी की सारी जो आपके पास वैल्यूज़ है ये आपको आपको ये सारी की सारी फॉर्मल एजुकेशन में मिलेगी। और यहाँ पे आपसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन पूछा गया था, तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका वो राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, काफ़ी टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया है, इज़ अ पुअर सब्सिट्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास अ टीचर हैज़ अ नोशन दैट हार्ड वर्क इज यूजलेस बिकॉज, जो टीचर है वो एक नोशन देता है कि जो हार्ड वर्क है वो यूजलेस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द हार्ड वर्क, कि जो स्टूडेंट है वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। नेक्स्ट हमारे पास द हार्ड वर्क इज डूइंग बाय अदर टीचर इज
यूजलेस, कि अगर कोई और टीचर जो हार्ड वर्क कर रहा है तो वो यूजलेस है। थर्ड है हमारे पास, हार्ड वर्क डज नॉट फुलफिल एनी एसेंशियल ऑब्जेक्टिव। जो हार्ड वर्क है वो जो भी आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं उनको वो फुलफिल नहीं करता, तो ये भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, टीचर फील नॉट फ्रीडम ड्यू टू हार्ड वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। टीचर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर को जब वो हार्ड वर्क कर रहा था तो उसे एक फ्रीडम फील नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, द मेथड ऑफ ए क्लास डिवीजन कुड बी सक्सेसफुल इफ द स्टूडेंट आर गिवन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्लास डिवीजन का मेथड कब सफल होता है या सफल हो सकता है, जब स्टूडेंट दे रहे हो फर्स्ट है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैचिंग टाइप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कि क्लास डिवीजन यानी क्लास को विभाजित करना, जैसे कि टेस्ट लेते हैं तो बच्चों को दूर दूर बिठाते हैं, इसमें आपसे वो ही पूछा गया है कि कब वो सक्सेसफुल हो सकता है, आप किस टाइप का टेस्ट ले रहे हो। तो जब आप MCQ टाइप का टेस्ट ले रहे हैं तब आपका जो क्लास डिवीजन का जो मेथड है वो सक्सेसफुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, द स्टूडेंट हु ट्रिप ओवर अ डेस्क। एक बच्चा जो है वो डेस्क के ऊपर जा रहा है एंड देन हिट द डेस्क, और वो जो डेस्क है उसको हिट भी कर रहा है। ही एग्जिबिट द बिहेवियर मैकेनिज्म नोन हैज। तो बच्चा जो अपना बिहेवियर शो कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, तो उस बिहेवियर का मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, नेगेटिज्म, प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन या डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्टिव। तो बच्चा जो है एक प्रोजेक्टिव बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है आपके पास, क्योंकि बच्चा एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो उसके ऊपर जा रहा है और उसको हिट कर रहा है। इट मीन कि वो एक एक्टिविटी आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा कि वो प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे क्यों आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द मीन स्कोर ऑन एनी क्लास लिस्ट इज द रिजल्ट ऑफ। जो आपके पास मीन स्कोर होता है क्लास में वो किस चीज़ का रिजल्ट होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टडी और इवेल्युएशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? फर्स्ट है हमारे पास, एडिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर एंड टोटल डिविजल बाय टू। ये तो डायरेक्ट गलत है। डिटरमाइन द कॉमन फ्रिक्वेंसी स्कोर, ये भी गलत है। डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल स्कोर बाय नंबर ऑफ स्कोर, तो ये क्वेश्चन जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है। डिवाइड द सम ऑफ ऑल द स्कोर, जितना भी स्कोर होगा उसका सम करेंगे और जितना भी टोटल नंबर का स्कोर होगा उसके साथ उसे डिवाइड करेंगे, तब आपके पास मीन वैल्यू स्कोर की आएगी। डी ऑप्शन था यहाँ पर हमारे पास, डिटरमाइन द मिडल स्कोर आफ्टर द स्कोर हैव बीन लिस्टेड फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट, ये भी गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 27 है हमारे पास, अ स्टूडेंट हैज टेकन टू बियरिंग द सेम स्टाइल ड्रेस दैट हिज टीचर बियर। कि एक बच्चा है उसने जो टीचर है उसकी तरह ही सेम कपड़े पहने हैं। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, तो बच्चा जो है किस टाइप का बिहेवियर जो वो शो कर रहा है? आपको पता है जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, अगर उन्हें टीचर अच्छा लगे तो वो कोशिश करते हैं कि वो उस टीचर की तरह बिहेव करें। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो बच्चा है उसका बिहेवियर किस तरह का है। यहाँ पर ऑप्शन है, ईगोसेंट्रिक, अटेंशन गेटिंग, कंपेंसेशन या आइडेंटिफिकेशन। तो जो राइट आंसर आपके पास यहाँ पे बनेगा वो बनेगा आइडेंटिफिकेशन। बच्चा जो है टीचर की आइडेंटिटी को कंपेयर करने की, कॉपी करने की कोशिश करता है कि मुझे भी टीचर जैसा लगना है, मुझे भी टीचर जैसा बिहेव करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, अ चाइल्ड फ्रॉम बैकवर्ड फैमिली विद एक्सपीरियंस द ग्रेट
डिफ़िकल्टी विद कि एक बच्चा है जो कि बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करता है, तो वो कौन सी डिफ़िकल्टी होगी? आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं इंडिपेंडेंट स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या क्लास लेसन। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन था अ चाइल्ड फ्रॉम अ बैकवर्ड फैमिली, एक बच्चा जो है वो बैकवर्ड फैमिली जो आपके पास लोअर कास्ट होती है उससे बिलोंग करता है, विल एक्सपीरियंस द ग्रेट डिफ़िकल्टी, वो कौन सी फील्ड में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो फील करेगा, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करेगा इंडिपेंडेंट स्टडी में, क्योंकि उसे स्वयं पढ़ने में यानी एकदम फ्रीली पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो निचली जाति जिन्हें लोअर या बैकवर्ड फैमिली कहा जाता है उनके जो बच्चे होते हैं उनके साथ काफ़ी रूडली बिहेवियर किया जाता है कि तू छोटी जाति का है, तू हमारे साथ नहीं बैठेगा, तू अलग बैठेगा, कुछ इस तरह से मैंने भी देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कम होता है मगर होता ज़रूर है, तो उन्हें इंडिपेंडेंट स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ए चाइल्ड हिज हाइट इंक्रीज बाई अबाउट, कि पहले साल जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी बढ़ती है। ये थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है मगर इन्होंने ये टीचिंग एप्टीट्यूड में ही डाला है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ अ चाइल्ड हिज हाइट इंक्रीज बाई अबाउट, तो कितनी परसेंट उसकी हाइट बढ़ती है, तो उसकी हाइट जो है वो 50% इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, व्हेन अ चाइल्ड मिस बिहेवियर प्रेसिस्ट इवन थ्रू द टीचर पनिशमेंट द टीचर प्रोबेबली टीचर इज प्रैक्टिसिंग अ टेक्निक ऑफ, सॉरी यहाँ पे चाइल्ड है मैंने टीचर बोल दिया, कि जो बच्चा है वो मिसबिहेव कर रहा है, टीचर ने उसे पनिशमेंट दी फिर भी वो मिसबिहेव कर रहा है, तो टीचर जो है यहाँ पे किस टाइप की टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहा है या कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिप्रेशन या कॉर्पोरेबल पनिशमेंट, तो जो राइट आंसर है वो है नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है मारना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास, स्टूडेंट एटीट्यूड टुवार्ड द पर्सन ऑफ डिफरेंट ग्रुप आर जनरली बेस्ड अपॉन, जो बच्चे हैं उनका एटीट्यूड जो है किसी पर्सन की तरफ सबसे ज़्यादा कब जाएगा, यानी यहाँ पर जो स्पेशली बात कही गई है कास्ट से रिलेटेड, कि जो अदर कास्ट के या अदर ग्रुप के बच्चे होंगे तो उनके साथ जो अदर कास्ट के बच्चे होंगे लोअर एंड अपर, तो उनका जो बिहेवियर होगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। द एटीट्यूड ऑफ देयर टीचर, द एटीट्यूड ऑफ देयर फ्रेंड्स, द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स, देयर रीज़न अटैचमेंट, कि कौन से रीज़न के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ पेरेंट्स आस्क यू एज अ टीचर अबाउट देयर चिल्ड्रन टेलीविजन हैबिट, यू विल सुजेस्ट दैट दे, कि पेरेंट्स ने टीचर के साथ कंप्लेन की कि उनका बच्चा ज़्यादा टीवी देखता है, तो उन्हें उसमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्रोहिबिट टेलीविज़न व्यूइंग, उसके जो टेलीविज़न देखने पर रोक लगानी चाहिए। एनकरेज फैमिली व्यूइंग एंड डिस्कस ऑन सिलेक्टिव प्रोग्राम्स, कि फैमिली को उसके साथ टीवी देखना चाहिए और सिलेक्टिव प्रोग्राम्स ही देखने चाहिए। एंड गिव थो चाइल्ड फ्रीडम टू सी, कि बच्चे को देखने के लिए फ्रीडम देनी चाहिए। एंड लास्ट है यूज टेलीविज़न एज रिवार्ड एंड पनिशमेंट, टीवी देखने पर बच्चे को रिवार्ड भी मिलना चाहिए और पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एनकरेज फैमिली व्यूइंग एंड डिस्कस ऑन सिलेक्टिव प्रोग्राम्स,
कि उन्हें बच्चे के साथ या बच्चे को एक सिलेक्टिव प्रोग्राम ही देखने देने चाहिए जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, द इंडिविजुअल डेवलपमेंट थ्रू द हेड द हार्ट एंड द हैंड, दिस बाज फिलोसफी ऑफ, कि जो इंडिविजुअल है उसकी डेवलपमेंट होती है द हेड यानी सर से दिल तक, दिल से हाथ तक, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। तो ये कौन से फिलोसोफर ने कही थी? तो ये कही थी फॉबेल ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, इफ अ स्टूडेंट हु फ्रिक्वेंटली लॉसेस हर कंसंट्रेशन, कि एक बच्चा जो है उसने अपनी कंसंट्रेशन को लॉस कर दिया है, वेयर शी वॉज रीडिंग, जब वो पढ़ती थी, शी कैन बी हेल्प बाई, तो उसे किस तरह से हेल्प की जानी चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है फिंगर पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास गिविंग हर अ कार्ड टू प्लेस अंडर ईच लाइन बींग रीड, सी है लेटिंग हर टू लिसन टेप स्टोरीज, टेल हर टू चेक हर आईज। तो जो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गिविंग हर अ कार्ड टू प्लेस अंडर ईच लाइन्स बींग रीडिंग। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब पढ़ते हैं, आपने भी देखा होगा कि बुक्स है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जो कि माइंड को चकरा देते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर आप एमसीक्यू देखोगे तो वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। एमसीक्यू में ये बताया गया है कि जो जब वो पढ़ती है या जो भी शी है वो पढ़ रही है, तो जिस तरह से कॉपी में बुक्स में काफ़ी ज़्यादा लाइन्स अवेलेबल होती है, वो अगर फर्स्ट लाइन पढ़ रही हो, जब वो सेकंड के ऊपर वापस आ रही है तो कभी वो थर्ड के ऊपर चली जाएगी, कभी वो बैक चली जाएगी, यानी उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लॉस हो जाती है। इसके बारे में यहाँ पे आपके पास पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि गिविंग हर अ कार्ड टू प्लेस द ईच लाइन, कि वो लाइन जो है उसके पास कार्ड रख दे जिससे कि वो ईजी वे में नेक्स्ट लाइन तक जा सके। इफ़ यू हैव गिवन अ क्लास टेस्ट ऑन मंडे, कि आपको मंडे को क्लास टेस्ट दिया गया है, वट यू फाइंड द अटेंडेंस इज बिलो एवरेज, यू शुड, सॉरी यहाँ पे यह है कि आपने टेस्ट दिया है और आपने देखा कि जो अटेंडेंस है वो काफ़ी कम है, तो आपको क्या करना चाहिए? कॉल द पेरेंट्स, रिपोर्ट द प्रिंसिपल, शेड्यूल टेस्ट फॉर एनी डेज, पनिश द एबसेंटीज। तो आपको ये तो समझ जाएंगे कि ये गलत ऑप्शन है, मैक्सिम टाइम ये भी गलत होगा, कॉल द पेरेंट्स भी यहाँ पे वैसे गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, टेस्ट का शेड्यूल ही बदल दीजिए, जब वो बच्चे आएंगे तो अचानक से उनको टेस्ट देना पड़ेगा। तो गाइज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आई होप कि आपको न्यू मेथड अच्छा लगा होगा और आपने हमारे सेकंड चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री को भी जरूर सब्सक्राइब किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।